चलो सबसे पहले जो आज चैप्टर जो है जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स है, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि अगर ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी और इसके सारे इफेक्ट मतलब सेकेंड बुक के मैक्सिमम चैप्टर पे आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है देखो, इसको हम कहते हैं चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, डायनेमिक्स इसका ये मतलब है, और इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देख बेटा इसको अगर हम सिंगल वर्ड में आपको समझाएं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इलेक्ट्रो डायनेमिक्स को करंट कहा। अब क्यों कहा करंट हमने, इलेक्ट्रो मतलब तो होता है चार्ज और डायनेमिक होता है मूव करना, तो चार्ज जब मूव करेगा तो उसका नाम हो जाएगा करंट। इस चैप्टर का मतलब यही है जिसको समझना है, कि एक फैक्ट है जिसको समझना है कि जब तक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है उसका नेचर कुछ अलग है, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया उसका जो असर होगा, जो कॉज होगा, उसको हम कहेंगे करंट। तो हम ये भी कहते हैं बेटा मोशन ऑफ चार्ज कॉज इलेक्ट्रिकल, ये रखा। और जब भी कोई चीज मूव करेगी फिजिक्स में तो हम उसके रेट को मेजर कर सकते हैं, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही बात करना है, फिर हम आगे बढ़े। मतलब ये नेचर है, इसका बेसिक टर्म्स होगा जो पीछे के पार्ट से बिल्कुल अलग हुआ। पहले इस चैप्टर को समझने के लिए किस किस टर्म को समझना जरूरी है उसकी बात करें। तो देखो शुरुआत करते हैं, सबसे पहली बात होगी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि करंट का मतलब डायनेमिक्स, मूव करना है। जब कोई चीज मूव करेगा तो करंट। तो फिजिक्स में मूव करने की बातें तीन जगह की जाती है, एनर्जी तीन तरह के होता। हम फ्लूइड को मूव किए थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, हमने हीट को मूव किया था थर्मोडायनेमिक्स में। देखो ध्यान से मैंने क्या बोला, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका नाम था हाइड्रोडायनेमिक्स। जब फ्लूइड को मूव किया तो हमने उसको बोला हाइड्रोडायनेमिक्स, जब हमने हीट यानी कि थर्मो एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को मूव किया तो उसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स, और जब हम चार्ज को मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये वही सेक्शन फिजिक्स में तीन बार हमने मोशन को समझा, उसी पर काम करना है, ठीक है ना। यहां से समझेंगे तो एक साथ तीन चीजों की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, तीनों जगह डिस्कस हो सकते हैं। यहां देखो इलेक्ट्रिकल मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। इसका सीधा मतलब ये भी होता है बेटा कि फ्लो ऑफ चार्ज कॉज इलेक्ट्रिकल, जब भी चार्ज मूव करेगी तो करंट होगा। आप उसको मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसको ऐसे भी सकते हो बेटा, फ्लो जो होगा बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगी कॉज इलेक्ट्रिसिटी, कॉज इलेक्ट्रिक करंट, ये रहता है इलेक्ट्रिक करंट, ये रहता। तो इट अराइज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं बेटा, इसलिए हम इसकी रेट को मेजर कर रहे हैं। तो हमने कहा ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब चार्ज की बात इलेक्ट्रोशेल से पहले से हो चुकी है बेटा, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी बॉडी में फ्लो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उससे डेवलप होती है, सारी बातें वहां पूछ। हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहां देखिए बेटा, हमने कहा इसका मतलब करंट का मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं चार्ज फ्लोइंग। अब ध्यान से देखो, अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगी तो डायनेमिक्स तो होगा नहीं, इसलिए करंट नहीं। तो ध्यान रखें, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, करंट प्रोड्यूस करने के लिए उसमें मोशन जो है मूव करना है। इसमें लिखा चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, टाइम, हम ये कह सकते हैं इसको कि करंट को हम आई से लिखते हैं, ये हो जाएगा क्यू टू माइनस के वन अपॉन टी टू माइनस के वन। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज फ्लो हो रही है तो चार्ज की क्वांटिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमें एक चीज तो पता चल गया, और वो पता चल गया कि करंट को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, मतलब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया बेटा। और क्वेश्चन दो तरह के फॉर्म हो गए, पहला सबसे पहले बात होगी एवरेज करंट की, या फिर
मीन वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। तो मैं देखो आई को लिखा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी, ये हमेशा जब भी आप इसे कैलकुलेट करोगे आपको मीन वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू मिलेगी। फिर मैंने आपसे कहा कि आप इंस्टेंटेनियस की बात कर सकते हैं, इसका मतलब होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेटा, इंस्टेंटेनियस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि दो दो चेंजेस हो, एक ही टाइम पे कैलकुलेट किया जा सकता है। सीधी बात इसका मतलब होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से देखते हैं जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखोगे, पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि इसका मतलब है ये फॉर्मूला तब यूज करना आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी जब क्यू फंक्शन ऑफ टाइम हो, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते। अब क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सॉल्व होता है। यहां से क्वेश्चन पहला वो ये होगा, इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर अगर दे रखा है, कंडक्टर इज गिवन बाई और नीचे दे रखा है q इज इक्वल टू 2t² + 4t - 7 और मैंने कहा इसमें फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे कितना होगा ये बताना है। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्योंकि तुमने एक ही टाइम की बात की। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, सबसे पहले जब भी फंक्शन दे रखा हो आप एक ही काम करोगे और वो होगा उसको पहले डिफरेंशिएट करोगे फिर सॉल्व करोगे। यानी कि I इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, I इज इक्वल टू इसको लिखेंगे हम डी बाई डी टी ऑफ, ये हो जाएगा 2t² + 4t - 7, डिफरेंशिएट करो इसको, ये हो जाएगा 40 + 4, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। और फिर ये I की वैल्यू, अब t की वैल्यू 1 रख दो इसके अंदर 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 4 × 1 + 4, ये हो जाएगा 8 एम्पियर बैचलर्स। अब देख बेटा रियाज सामने देखो बच्चा, गलती कैसे होती है सामने देखा जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको देख कैसे करते हैं, वो फॉर्मूले को याद कर लेते हैं कि I की वैल्यू क्यू बाई टी होती है, ठीक, फिर इसको रख देते हैं I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 × t² + 4t + 7 अपॉन t और फिर t की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो I इज इक्वल टू आ गया 2 × 1 + 4 - 7 और अपॉन 1, ये हो गया 2 और 4, ये हो गया तुम्हारा 6 - 7 अपॉन 1 और आंसर आ जाता है -1 एम्पीयर। इसी को मिसकॉन्सेप्ट कहते हैं, यही मिसकॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कौन से फॉर्मूले को हम कहां इस्तेमाल करें। करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और जब भी किसी एक टाइम पे होती है, कि हम मैंने सिर्फ ये समझाया कि आई की वैल्यू क्यू बाई टी नहीं सोचते बेटा, आई का एक्चुअल फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही तो मिसकॉन्सेप्ट है, लेकिन कैसे किसी फॉर्मूले को सोच लेते हैं बेटा ये देखना है। यहां देखो अब आप कहोगे सर फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का क्या करोगे, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी बता रहा हूं। I इज इक्वल टू क्यू टू माइनस के वन का मतलब होता है कि क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, वहां भी क्यू फंक्शन ऑफ टाइम होगा लेकिन अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा। देखो मैं क्या लिखा, मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, उसी क्वेश्चन की क्यों ना हम बात कर लें, सेम क्वेश्चन की, और वहीं से हम वापस स्टार्ट कर दें। अब ऐसा नहीं कि क्यू अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो तुम उसको डिफरेंशिएट ही करोगे आंख बंद करके, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा इंस्टेंटेनियस का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो देखो उसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं, इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू 2t² + 4t - 7,
फाइंड करंट फ्रॉम टी या इन फर्स्ट टू सेकेंड, इन फर्स्ट टू सेकेंड, पहले दो सेकेंड में करंट कितना होगा ये बताना है। अब देखो यहां पे करंट की वैल्यू वेरिएबल है, लेकिन पहले तुम्हें दो सेकेंड का मतलब मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ऐसे केस में अगर तुम्हें फर्स्ट टू सेकेंड का मतलब होता है कि T0 है, T1 से लेके T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखना है कि जब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस है। मतलब कोई क्वेश्चन कहता है फाइंड द करंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस है, और अगर कोई कहता है फर्स्ट टू सेकेंड तो इसका वो इंस्टेंटेनियस नहीं है क्योंकि उसमें टाइम दो दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे फिर, ऐसे केस में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गलती से भी हमने डिफरेंशिएशन यूज किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। क्या करना है इसमें, आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब Q2 - K1 / T2 - T1। अब देखो क्या करना है, T1 की वैल्यू जब 0 है तो Q1 कितना होगा कैलकुलेट कर लिए रखा है, 2 × 0 + 4 × 0 - 7, मतलब इसकी वैल्यू -7 कूलम होगी। और अगर T2 की वैल्यू जब 2 सेकेंड है तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2² + 4 × 2 - 7। इसको सॉल्व कर दो, 8 और 8 ये हो जाएगा 16 - 7 - 9, और इसकी वैल्यू को यूज कर, अब I की वैल्यू हो जाएगी Q2 - Q1 / T2 - T1, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू यहां पे 9 - -7 - 2 - 0, ये हो जाएगा 16/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 एम्पियर, ये रहा इसकी वैल्यू। ऐसे हमें समझना है जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे कि हमें खुद देखना पड़ेगा कि कब मीन वैल्यू है और कब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि दोनों को डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, ये ध्यान रखना। चार चीजों को लेकर के आता है, एक I = dQidt, मतलब तीन चीजें उसके साथ चली आ गई जिसको तुम्हें पकड़ना है, मतलब तीन बातें तेरे साथ आ गई। पहला जो था, पहले मैं उसी की बात करूं फिर वापस आऊंगा। तो I = dQidt का मतलब पहली बात यह थी कि आप इसको इस्तेमाल करें जब फंक्शन ऑफ टाइम हो और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करो इसको। दूसरी जो होती है इन ग्राफ में डिफरेंशिएशन को हम रेट मेजर के बजाय स्लोप की तरह इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशिएशन स्लोप निकालने के यूज होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं I = dQ/dt का मतलब होता है स्लोप ऑफ क्यू चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर कहीं ग्राफ है ना, तो ग्राफ में करंट निकालने का यही फॉर्मूला है, और ये इतना स्टैंडर्ड है कि कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक के साथ इंटरफेयर हो रहा है, बेसिक के साथ हम बात कर रहे हैं। I = slope of Q versus T graph, अगर कहीं पे भी चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो करंट निकालने का एक लौता यही तरीका है ग्राफिकल, मतलब आई का जो फॉर्मूला होता है ग्राफ में वो बदल जाएगा और वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। सारा जो आपने लिखा पढ़ा सब खत्म, अब सिर्फ एंगल से बात हो जाएगी। अब देखो इसके कैसे बात करेंगे, दो तरह के क्वेश्चन यहां से एग्जाम पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये होता है कि देखो ऐसे दे रखा होगा, ये क्यू वर्सेस टी है और यहां पे दो ग्राफ दे रखा है, एक I1 है दूसरा I2 है, और नीचे ऑप्शन होगा कि विच वन इज करेक्ट, और ऑप्शन दे रखा होगा। ऑप्शन कैसे दे रखा होगा, पहला I1 = I2, दूसरा I1> I2, तीसरा I1> I2, चौथा I1> I2। चार्ज, तो देखो ऐसे कंडीशन में कैसे सोचना है, जब भी क्यू वर्सेस टी का ग्राफ हो ना, रिया उसका एक ही फॉर्मूला है यहां पे लिखा था टैन थीटा, और कुछ भी नहीं सोचना। तो हम क्या करेंगे, इसके एंगल को थीटा वन मान लेंगे और इसके एंगल को थीटा टू कह देंगे बेटा। अब देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि एक ही फॉर्मूला है, आई की वैल्यू टैन थीटा, एक ही हमारे पास ऑप्शन है। पहले तो इस पर रिलाय करना पड़ेगा कि एक ही फॉर्मूला है, उसके बाद से देखो क्या करेंगे, थीटा वन की वैल्यू बड़ा है थीटा टू से, दिख रहा है,
दोनों तरफ टैन लगा लो तो यानी कि टैन थीटा वन की वैल्यू भी किससे बड़ा हो जाएगा, टैन थीटा टू से, यानी कि आई वन की वैल्यू आई टू से बड़ा हो जाएगा। ये इसका तरीका है, ये रहा इसका ऑप्शन। ऐसे काम जब भी ग्राफिकली क्वेश्चन पूछे लिखो, फिर दूसरा दिखाता हूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इसी में बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहा ना पहले तुमको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ग्राफ में करंट निकालने का, अगर q वर्सेस t का ग्राफ है तो करंट का सिर्फ एक ही फॉर्मूला i = tan थीटा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता रहता, ये आपका q है, ये t है और ये ग्राफ दे रखा है बेटा, इसका एंगल 60 डिग्री है और इसका 30 डिग्री है, आई वन और आई टू है, और ऑप्शन होता है बताओ आई वन अपॉन आई टू की वैल्यू क्या होगी। अब रिया सब कुछ याद करके गई, सर की सारी बातें मान के गई, लेकिन वहां पे दिमाग जो है ना घर रख के चली गई। देखो ध्यान से क्या गलती कर सकती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैसे तरीका क्या सॉल्व करने का, आई वन इज इक्वल टू क्या होता है टैन थीटा वन, आई टू इज इक्वल टू टैन थीटा टू, थीटा वन का मतलब ये 60 डिग्री है, थीटा टू का मतलब 30 डिग्री है, यानी कि आई वन अपॉन आई टू की वैल्यू टैन 60 अपॉन टैन 30, क्योंकि थीटा वन यहाँ पे 60 है और यहाँ पे थीटा वन लिखा इसी को टैन 60 लिख दिया, और ये थीटा टू है तो इसको टैन 30 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू होती है रूट थ्री, ये हो गया 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे 3:1। अब देख बेटा लिया, मैं हमेशा मिस्टेक्स को इसलिए हाईलाइट करता हूं कि इंसान को अपनी गलती दिखने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इधर देख क्या करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं और वह ऐसे मतलब कोई भी हो सकता है, यश हो सकता है, तुम हो सकती है। देखो कैसे वो क्या करेंगे, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू टैन 60 अपॉन टैन 30, और फिर टैन से टैन काट दिया, 60 अपॉन 30 इसको लिख दिया 2:1। ऑप्शन में आंसर था ही, निशान लगा के आ गए और बोले देखो सर आपने जो बताया था तो क्वेश्चन आ गया था, मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। ये ध्यान रखना है कि ऐसे मिस्टेक्स ना हो, तो हमें ध्यान ये रखना है हमेशा कि ये कॉन्सेप्ट हम ऐसा नहीं कर सकते। क्रॉस लगाइए इसको बेटा, और क्रॉस इसलिए इसको लिखना है बेटा, लिख के इसको रखो ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं भी बच्चा हूं, मैं ऐसी गलती कर सकता हूं, ठीक है ना। ये ऑप्शन होता है, इसलिए ऑप्शन में 2:1 इसलिए होता है ताकि बच्चा मिस्टेक्स करे और काम करे। अगले कॉन्सेप्ट, ये तो डिफ्रेंसिएशन की बात थी, ये है कि हमने स्लोप की बात कर ली, हमने डिफ्रेंसिएशन की बात कर ली। अब देखो दूसरी बात जो मैं लिख रहा हूं, यहां से चार्ज निकालने का एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जो ऑलमोस्ट हर जगह सही होगा, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये गलत नहीं होते बेटा। एप्लीकेशन इफ एंड बट के साथ चेंज हो सकता है, बेसिक कभी चेंज नहीं हो सकता। देखो यहां की दूसरी कंडीशन, आई इज इक्वल टू हमने लिखा डी क्यू बाई डी टी, मतलब मैं कह सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी, मतलब जब भी मुझे चार्ज निकालना होगा, चार्ज फ्लोइंग, ये ध्यान रखना है, मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग चार्ज फ्लोइंग, और अगर मैं चार्ज को फ्लोइंग को चार्ज कहूं तो समझो इनिशियल चार्ज की वैल्यू 0 है, अंदर सुड़े होगा। तो जब भी हमें चार्ज फ्लोइंग कैलकुलेट करना होगा ऐसे कंडीशन में इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और ये आई डी टी के इक्वल। अब इसको भी ध्यान रखना कि कहीं पे भी अगर मुझे करंट दे रखा है, करंट ये कब इस्तेमाल करते हैं जब आई फंक्शन ऑफ टाइम हो, और कोई फॉर्मूला तुम्हारा साथ देगा ही नहीं यहां पे, बाकी सब गलत हो जाएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला तुम्हें बाहर निकालेगा। देखो गलती कैसे होती है बेटा, क्वेश्चन क्या है, मैंने यहां पे कहा इफ आई इज इक्वल टू 2t + 3 दे रखा बेटा करंट, और फिर मैंने कहा फाइंड द चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट 2 सेकेंड, इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड। अब देखो गलती क्या होगी, भाई इसने यस ने कहा अरे यार ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इनिशियल दे रखा है अभी काम खत्म करो मल्टीप्लाई कर, कैसे जी, इसने कहा सर देखो ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने कहा था क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है तो ये रहा जी, आई इज इक्वल टू क्यू आई टी होता है तो क्यू इक्वल आई इंटू टी हो गया, अभी आपने पीछे लिखा था सर, और फिर इसने कहा आई निकालो सर, आई की वैल्यू जो हो जाएगी 2 × 2 + 3 यानी कि 7, और q इज इक्वल टू क्या 7 × 2 यानी कि 14 कुल आंसर, ये लो सर काम कर, और क्या पता चारों में से एक ऑप्शन यही हो, देखते ही यस खुश हुआ और आंसर लिख कर क्या आ गया ले बेटा।
रेड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू टू तक हमें नहीं पता है चार्ज की वैल्यू जीरो बेटा, हम ऐसी बिल्कुल भी कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि इसमें तो ये तभी अप्लाई करना जब तू बिल्कुल डैम श्योर हो कि इनिशियल चार्ज की वैल्यू जीरो, वरना आप इसको। मैंने यही समझाया कि ये तो काम नहीं करे, जब भी दे रखा हो ना फर्स्ट टू सेकंड तो देख कैसे सोचना है, ये तो गलत है क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोइंग का जो फॉर्मूला होता है ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आई कांस्टेंट ना हो, तो एक ही फॉर्मूला है इंटीग्रेट करो आई इंटू डी टी, मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी जीरो से लेकर टू सेकेंड तक, वो यहां लिखा है फर्स्ट टू सेकेंड। अब इसको यहां पे रखो, ये हो जाएगा टू टी प्लस थ्री, ये हो जाएगा जीरो से लेकर टू तक, यहां पे हो जाएगा डी टी, इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा टू टी स्क्वायर बाय टू प्लस थ्री टी, यहां से इसको सॉल्व करेंगे जीरो से लेकर टू तक, अब लिमिट रख दो इसका, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू माइनस जीरो प्लस जीरो, ये हो जाएगा फोर प्लस सिक्स माइनस जीरो, आंसर हो जाएगा टेन कूलम, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू की वैल्यू। तो जब भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आई वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता था, ये बिल्कुल गांठ बात हो, मतलब ये फॉर्मूला सबके लिए है चाहे आई कांस्टेंट हो चाहे ना हो, ये फॉर्मूला तो तुम ये बार बार कह रहे हो कि ये तभी इस्तेमाल करना है जब आई की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये इसका ठीक है। चलो आपसे ये कहा कि डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होती है इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आई फंक्शन ऑफ टाइम हो। लेकिन अगर ग्राफ की बात है ना, इन ग्राफ, तो ग्राफ में इंटीग्रेशन को के जगह पे एरिया निकालते हैं, एरिया से बात करते हैं, मतलब वहां पे हो जाएगा डेल्टा क्यू की वैल्यू आई इंटू डी टी के बजाय हम लिखेंगे यहां पे चार्ज फ्लोइंग की वैल्यू हो जाएगी चार्ज फ्लोइंग, ये जो हो जाएगा एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हें कभी डिच नहीं कर सकता क्योंकि बेसिक्स फॉर्मूले, अगर कहीं पे भी कोई ग्राफ है ना जो आई वर्सेस टी का है, आई वर्सेस टी का, उस ग्राफ का जो एरिया होगा ना वही चार्ज फ्लोइंग को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ आपको एरिया निकालना है। अब एरिया चाहे आप जैसे निकालो, सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल है तो बेस इनटू हाइट, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां देखो एक क्वेश्चन मैं यहां से दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमारे पास ये रहा इसकी वैल्यू, ये जीरो है और ये हमारे पास आई का ग्राफ है, ये मैक्सिमम करंट है आई नोट और ये टाइम टी है। आपसे कोई कह सकता है फाइंड करो, फाइंड चार्ज फ्लोइंग, फाइंड चार्ज फ्लोइंग, देखो क्या करना है ऐसे कंडीशन में, ग्राफ है जैसे ग्राफ दिखाना तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे सर ने तो ग्राफ के लिए एक ही शब्द आया था कि अगर ग्राफ आई वर्सेस टी का है तो सिर्फ उसका एरिया निकालो अपने आप ही चार्ज निकल जाए। तो हम यहां पे लिखेंगे चार्ज फ्लोइंग, चार्ज जो फ्लो कर रहा है बेटा फ्लोइंग, वो जो होगा वो एरिया ऑफ ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ के इक्वल होगा, मतलब हो गया इसको लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल है ना तो बेस, बेस कितना हो जाएगा टी और करंट हो जाएगा आई नॉट, यानी कि हो गया आई नॉट इंटू टी डिवाइड बाई टू, ये चार्ज फ्लोइंग की वैल्यू, ऐसे हम कैलकुलेट करें, ठीक है ना, इसमें सीधा सीधा मैथमेटिकल अप्रोच होगा और सीधा वैसे ही बात की जाएगी।